हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारी रुपाई है और मैं जा रहा हूँ खेत में। अमिता भी आएगा थोड़ी देर में, तो फिर मैं यहाँ से उनके लिए सामान लेके जा रहा हूँ। ये इसमें खाद है, मैन्योर, और ये खाना उनके लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है जो खेत में काम कर रहे हैं अभी। तो चलिए अब आपको सीधे खेत का ही दिखाएंगे, है ना। और ये खेत में आ गए हम, आधी जो धान है वो तो निकाल ली है, पाप है। इसमें खाद है, नीम कोटेड यूरिया है इसके अंदर, तो ये डालेंगे अभी। और क्या कहा दीजिए, नीम कोटेड ही तो होंगी अब। और ये मम्मी है, काम पे लगी हुई है यहाँ पे। ये पिंटू चाचा की मम्मी ऐसे बोल रहे हैं। और ये भी निकालना है ऊपर वाले खेत में, बैल है वो चल रहे हैं अभी, वहाँ लेके चलेंगे आपको पर खेत में। और अब ये मैं भी निकालूंगा, देखो थोड़ा सा है, बस ज़्यादा नहीं निकालूंगा। ये हमने डाली निकाल दी है और अब इसको ऐसा झाड़ना है। दिस इज बबला एंड तो ये हमने ऐसे बना दी है इसकी पुली, ये वाली पुली। और फिर इसको ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ना कैसे निकालते हैं तो या तो नुकार मन बली कैसे निकालते हैं देख इन करे है ना, सब के बाहर ले जाओ पानी ले ले ला। और इसको फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे बांध के इनका ये पुली, इसकी पुली पुली बांध के ऐसे ऐसे बांधेंगे और फिर इसकी कुंडी लगाएंगे छोटी सी ऐसे यहाँ पे जैसे वो लगा रखी, ऐसे में सूखती नहीं है। खेत हमने इसकी वो कर दी है, मैया से इसकी छुलाई कर दी है, छुलाई छुलाई कर, और ये जुलाई के महीने में छुलाई कर दी है, जून है वैसे तो अभी। चलो फिर अब आपको बैल दिखाएंगे ऊपर है, चप्पल उतार दिए हैं क्योंकि इतनी गीली, चप्पल उतार दिए हैं क्योंकि मिट्टी बहुत गीली होती है, तो दलदली मिट्टी उसमें डूब सकते हैं पैर, चप्पल बहाने आएंगे फिर। और ये देखिए सामने से बैल आ रहे हैं, बहुत तेज स्पीड में आ रहे हैं, फोन अगर नीचे गिर गया तो हो गया फिर काम। ये मनीष है, हाँ इनका रहा है। Sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know I'm the guy. Just find my way back to you. Hey.
अब यहाँ पे राइडर चेंज हो रहा है। ये देखिए गाइस, अभी मैंने इस ये जो मेंड थी इसकी फिनिशिंग करी है मिट्टी से। तो इसमें क्या करना होता, पहले ये ऐसे थी, देख सकते हैं आप ऐसे, और उसको ऐसे बनाना है, एकदम चमकती हुई चिकनी बनानी है एकदम से। तो इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से ऐसे मिट्टी लेनी है जिसमें पानी भी हो मिट्टी भी हो, है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और ऐसे ऐसे करते जाएंगे इसको। तो इससे क्या मेंड मजबूत होती है, बाद में पानी की लीकेज नहीं होती इससे, और जो खरपतवार होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। दूसरा, इसके अंदर से ऐसे भी करना होता है कि ताकि मेन खेत में ज़्यादा जगह मिल जाए धान की रुपाई करने के लिए। बस तो ये ऐसे करिए पूरे मेंड के भी। और ये देखिए, अमित आ चुका है सामने से, बहुत लंडेरू है ये, काम चोर है। This Algisa guy is coming now. He is very very Algisa. ये सेल्फ स्टिक भी नहीं लाया होगा। चलो फिर मैं भी पानी पीने जाता हूँ। ओए यक है, यक है। बहुत अच्छे। रोटी होली बेड में रोटी। चल बेटा चल भाई मिठाई ले लो, अब मैं थक गया रे चिंकी, तो बहुत थक गया। हमें तो आता नहीं है मैया लगाना, पर अभी हम ये जो लाइनें दिख रही है वो टूटी उनको मिटाएंगे। और
मनीष करेगा इसको। अभी देखिए वो बैलों को खोल दिया हमने, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें इसको लत्याना है और इसकी छुलाई हो गई है। लत्याना मतलब ऐसे लत्याते हैं इसको, जैसे ये दिख रहा है ना, इसको हमने बराबर करना है ऐसे। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ है 50 रुपये काट दिए, इसको ऐसे कर देना है, इसको बराबर कर देना है ऐसे, जैसे वो कर रहे हैं फावड़े से उधर खेत को बराबर करना है लेवल में, ताकि बाद में जो सिंचाई वगैरह हो तो दिक्कत ना हो लेवल में रहे सारा। वो मैया है, मैया दिखाएंगे भी आपको कैसा होता है मैया। यहाँ से नीचे जाएंगे, हम नीचे जा रहे हैं अभी पानी वानी पीने के लिए। पिंटू भाई आराम से आना, यहाँ पे रड़ने वाला हो रखा है बिल्कुल ही। तो आपको मैया दिखाते हैं हम, ये देखिए मैया ऐसे होता है, ये बैल पे लगता है इधर से और ये इस पे दांत होते हैं। वो मैं बताता हूँ फंक्शन कैसे करते हैं। और ये जुआ है, अब हम फंक्शन बताएंगे आपको। जो ये है दो वो बना रखे हैं, इस पे वो बांधेंगे तो ये निकलेगा नहीं, इससे बैलों पे अटका रहेगा बिल्कुल। इस पे लगाते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं, जुआ कहते हैं इसको। और ये हैंडल है पकड़ने का, ठीक है। और ये है दांत, ठीक है, ये दांत है। मिट्टी में जाएंगे पानी वाले, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप कभी गलत नहीं बोलते हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल। इन्होंने कृषि विज्ञान सब्जेक्ट था इनका, BSc पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करा इन्होंने। चलिए फिर नीचे, वो कुंडगियाँ हैं वहाँ बिजाड़ पड़ रही है। देखिए गाइस ये खेत में खाना ऐसे खाते हैं, हम घर से लेके आ रखे। इसमें तो खाद है, नीम कोटेड यूरिया है। इसमें दाल अभी थोड़ी लाए हैं दो चार आदमियों के लिए बस, और उसमें छोले हैं शायद। ओहो, खेत में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। और आप देखेंगे कि खेत में भूख भी अच्छी लगती है काम करने के बाद। अब मैं तू नहीं खानी, खा रही खेल देन बना। और यहाँ रोटियाँ हैं इसके अंदर, ये पानी है उधर उसमें। तू क्या लेके आया था अमिता, भी सूजी, सूजी बन गई फिर तो अमित सूजी लेके आए साफ ही चंद फिलहाल। तो अमित के हाथ खराब हो गए हैं, तब तक मैं दिखा देता हूँ। ये कटोरे भी हैं इसके अंदर, और इसमें चाय है थर्मस में। तो ये देखिए ये चाय है, और ये है इधर इसके अंदर सूजी है, और ये पानी की बोतल है। तो रोटी और अमित अब मेरे को रोटियां भी देगा। एक रोटी से हो जाएगा भाई जी आपका? नहीं नहीं मेरे को दो तीन रोटियां चाहिए। दो तीन रोटियां तो नहीं है, जब भी दे यार खावा ना दिया। क्या देण थे, क्या क्या देण है, जोर से बोला क्या सूजी। हाँ तो इनको सूजी देनी है अभी, ये लो भाई जी। तो ये मैं खाना खाऊंगा अभी यहाँ पे, और वो सूजी देखे कैसे देते हैं है? इसमें देखो ये खाते हैं मालू के पत्ते में, ये मालू का पत्ता है, इसको तोड़ के ना। ये मैं सोच रहा कि इन्होंने पत्ते तोड़ दिया, नुकसान कर दिया। हमने बहुत सारे ये लगा रखे मालूम है, तो इसको ऐसे काटते हैं फिर ऐसे रखते हैं। एक प्रकार की प्लेट है, इको फ्रेंडली प्लेट, जो आजकल बना भी रहे हैं कई पत्तल लघु उद्योग हैं वो बना रहे हैं। हाँ MSME के अंतर्गत बन रहे हैं लघु उद्योग में पत्तल वत्तल वगैरह। तो अमित इसमें सूजी रख के मम्मी को दे देगा, और फिर मैं खाना खाता हूँ। सूजी के वो भी दिखा दीजिए आप कैसे बनी हुई है, ये देखिए देखिए बहुत अच्छी बनी हुई है, भुरभुरी वाली। इसमें इलायची है और नारियल है, एक गुड़ की सूजी है, एक हलवा भी टाइप का बनता है जिसमें दूध डालते हैं, लेकिन इसमें गुड़ का पानी डाला हुआ है। यही है खेत में से खाते, थोड़ी देर बाद जब बहुत सारे लोग आएंगे रुपाई करने वाले तब भी दिखाएंगे आपको वीडियो ना। I'm rock and roll.
ये देखिए अमित अभी मेंढ को घिसाई कर रहा है, इसकी छुलाई हो गई है, अब घिसाई हो रही है। पूरा वहां से लेके आया मैं, यहां तक पिंटू भाई ने कर दिया है। यहां देखिए वहां से पूरा वो लेके आया यहां तक। और वो कार्तिक है, आर्मी वाला आदमी है जिसके साथ आर्मी वाली वीडियो हमारी, आर्मी वाली रेस वाली है। और ये नीम कोटेड यूरिया डाल रहे हैं अभी। क्या नीम कोटेड? हेलो कार्तिक। हेलो, आप क्या कर रहे हैं? खाद डाल रहे हैं। ये खाद डाल रहा है? गोबर वाली? गोबर वाली नहीं है, नीम कोटेड है, महिला आते हैं यूरिया। चलो फिर मिलते हैं। You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame.